राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और वीडियो तो शायद ये एक दो दिन बाद जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अभी जो रात के जागरण के हैं तो अभी आपके पास वो ही वीडियो आएंगे, और एक दो दिन आएंगे, शायद दो पार्ट बनेंगे या तीन बनेंगे जैसे भी। और अभी वीडियो की एडिटिंग की है, ये वीडियो आपके पास, मतलब ये जो अब बना रही हूँ शायद ये एक दो दिन बाद जाए। और आज सुबह से बुरी हालत है, अभी भी मैं कीर्तन में जा रही हूँ थी, मतलब सॉरी कीर्तन में जा रही हूँ, और लेकिन मैंने सोचा आप सबसे बातें कर लेती हूँ और एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो जब थोड़ा फ्री से हो ना, फ्री माइंड हो तभी बनाया जाता है, नहीं तो वीडियो भी नहीं बनाया जाता। तो आप सबका पहली बात तो तहे दिल से धन्यवाद, और ये धन्यवाद मैं बोलूँ ना बोलूँ मेरे दिल से हमेशा निकलता है, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता भी है आप सबके कमेंट पढ़ के, और आप सब इतना प्यार देते हो, इस प्यार के शायद मैं इतना काबिल नहीं थी, और आप सबने मुझे इतना प्यार भी दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। और एक दिन मुझे ऐसे लगा कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी शायद, एक दिन शायद ऐसा लगा, पर वो मेरे नसीब में शायद नहीं है, मेरे नसीब में वीडियो वायरल अभी नहीं है, जब होगा हो जाएगा और ना होगा ना सही। तो आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, मैं उसी से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जब मतलब इस तरह से आप लोग जताते हो कि मतलब पूछो मत, बस उसका तो कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब तुम सबके प्यार के लिए। और एक मेरे पास में फोटो नहीं आ रहा दवाई का, मैंने पथरी की दवाई के लिए बोला था, वो भी मैं जरूरी कोशिश करूंगी बहुत जल्द वो वीडियो लाने की भी। और आप सबको कैसा लगा मेरी फैमिली से मिलके? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और उस दिन मैं किसी वजह से बहुत जल्दी भी आ गई थी, पहुंची भी लेट थी, और मुझे खुद तसल्ली नहीं हुई, मुझे खुद इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा लगना चाहिए था। आने के बाद रास्ते में ही ऐसे लगने लगा कि बहुत जल्दी भागा भाग गए, ज़्यादा कुछ बातें भी नहीं हुई, और जितने सब गेस्ट थे, और अभी अभी का पता नहीं कैसे मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन डिलीट हो गई, नंदी का बेटा है छोटा, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने बहुत ढूंढी, फिर पता नहीं कैसे, कई बार ऐसा होता है ना कि हम वीडियो ना बनाना टच करना भूल जाते हैं, वीडियो ऐसे ही देखते रहते हैं, वीडियो बन रही है तो हम ऐसे सोच ले, मतलब ऐसे सोचना लेते हैं, ऐसे हो जाता है हमारे साथ, जब ऐसा बहुत सारे बंदे हो ना तो दिमाग एकदम सबके पास वो ही रहता है, सबके साथ हमारा भी मन करता है हम भी इंजॉय करें, और इंजॉय हम मैं पूरा करती हूँ फैमिली के साथ, चाहे मायके में हो या यहाँ ससुराल में हो, और होना भी चाहिए। जिंदगी में किसकी जिंदगी में टेंशन नहीं है, टेंशन ही जिंदगी है, और इन सबको, सभी अपनी अपनी जगह, कहीं टेंशन है कहीं थोड़ा बहुत सुकून, सब ढूंढते हैं, और वो होना भी चाहिए, वो सभी, वो इंसान ही क्या जो मतलब एक ही चीज़ को रोता रहे कि भई ये है वो, और सबकी ज़िंदगी में ही परेशानियां होती हैं। थोड़ी देर बाहर जाने का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत घर में से थोड़ा बाहर निकलें और माइंड फ्रेश हो, यही होता है ना, आप सब भी बताना, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, गलत नहीं बोल रही हूँ ना, तो ये, और शायद मेरी बात गलत भी लगे शायद, तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को गलत लगे तो, लेकिन मेरा मानना यही है कि ज़िंदगी है, घर में तो देखो टेंशन है, पुरानी बातें भी याद आती हैं, दुख भी याद आते हैं, अच्छी बातें भी याद आती हैं, लेकिन बाहर जाके थोड़ा माइंड फ्रेश हो इसलिए जाते हैं। और फैमिली के साथ मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, और सभी मेरी फैमिली में तो सभी मस्त हैं, सभी सभी ठीक हैं, कुछ देर के लिए एक दूसरे को देख के भूल जाते हैं सारी परेशानी और खुशी से सब कुछ। और आप सबको सबका इतना प्यार मिल रहा है तो और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, इससे भी अच्छी वीडियो आएंगी अगर आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहोगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। अगर वीडियो जैसे कि ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं कि आप दिल्ली में रहते हो फिर भी इतनी सादगी है आपके अंदर, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत पूछते हैं कि आपका ये दिमाग में कहाँ से आया कि वीडियो बनानी है, तो ये भी मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगी, बड़े आराम से बताऊँगी कि कैसे मेरे दिमाग में आया था, जबकि मेरी फैमिली में कोई भी यूट्यूबर नहीं है। हाँ ऐसे हैं जैसे कि बहन के बेटे ने बना रखा है वीडियो, वो उनका देखो जेंट्स का अलग है, लेडीज़ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आसपास, मतलब नहीं है, और मेरा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, अभी भी सब कहते हैं इंस्टाग्राम यूज चलाओ ये चलाओ, तो शायद मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि इतना काम मैं संभाल सकूँ भाई, घर का भी और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है। अब सुबह से मैं जब से आई हूँ आपको मैं सुबह से बताऊँ, सुबह से इतनी बुरी हालत है, सुबह से इतनी बुरी हालत है, सुबह आते ही के साथ घर का वही काम जो खाना बनाना होता है, और जो भी मतलब जो हमारा रेगुलर काम होता है,
फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई हूँ और उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी खाना बनाया और मेरा व्रत है तो मैंने अपने लिए भी बनाई, मैंने बनाई है कुट्टू की रोटी और सब्जी, क्योंकि है ना कई दिन से तला हुआ चल रहा था तो एक रोटी बनाई है और दही के साथ और सब्जी के साथ वो ही ले ली थी, और बच्चों के लिए भी खाना बनाया है क्योंकि इनका व्रत नहीं है। और फिर उसके बाद में वो पूरा घर का काम ख़त्म करके अभी मुझे कीर्तन में जाना है और वीडियो एडिट की है, खाना बनाने के बाद वीडियो एडिट की है, और वीडियो एडिट कब की है, खाना रोटियां बनाते बनाते, और फिर देखो आवाज़ जब डालनी होती है वो वहाँ तो डाल नहीं सकते, जितना हम काम कर सकते हैं वहाँ पे वो मैंने वहाँ किया है, फिर मैंने पंखा बंद करके फिर वो मैंने एडिट यहाँ पे की है। तो कोई भी काम आसान नहीं है, सब चीज़ में मेहनत है, अगर मेहनत करोगे तो फल पाओगे, और मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ। और मेहनत कब होगी, जब मैं कामयाब होंगी, तो जब मुझे आप सबका इतना प्यार मिल रहा है तो मेरा भी मन करता है कि नहीं भाई वीडियो डेली ही जाना चाहिए और वीडियो डेली ही आएगा आप सबके पास, और आप सब भी मुझे राय दें। जैसे कि कुछ बहन भाई या कुछ बोलते हैं कि आपका मतलब रहन सहन उस तरह का नहीं है कि आप, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप मुझे इतना सपोर्ट करो कि मैं इसी जो मेरा रहन सहन है सिंपल सा, जो किसी को तो मेरी सादगी बहुत पसंद है और कुछ समझाते हैं कि इस तरह का अब नहीं चलता है, आप बहुत सिंपल हो, बहुत मतलब थोड़ा जो जितना मतलब आप हो उससे भी ज़्यादा आप वीडियो में सादगी नज़र आती है आपकी, जितने अच्छे आप, ऐसा नहीं है कि आप इतने गवार हो, मैं इसको गवार बिल्कुल नहीं मानती, और अगर आप में से जितने भी बहन भाई मानते हैं तो मैं हूँ गवार, ऐसी हूँ, गाँव की ही हूँ, और बाद में यहाँ रहने लगे हैं, वो चीज़ भी देखो हम दोनों साइड कर लेते हैं मैनेज, अगर हम जहाँ जाते हैं उस तरह के हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि, पर हाँ जो जो हम रियल हैं वो हम यही हैं, रियलिटी आपके सबके सामने है। तो आपको ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ मैं, कहोगे मेरी मम्मी कहती है बहुत बोलती है, तो बहुत बोलती है वीडियो में, तो बात ये भी है कि मम्मी मेरा काम बोलने का है तो बोलूँगी नहीं, तो क्या करूँ फिर बताओ वीडियो कैसे बनाऊँ। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम जी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे से मेरे शब्दों में अगर किसी को, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे शब्दों से कोई आहत हो, मतलब कई बार है ना उस चीज़ को सोच लेती हूँ कि ये चीज़ गलत तो नहीं है, पर लेकिन आज मैंने वीडियो आज किया, जब मैं ऐसे वीडियो बनाती बोलती चली जाती हूँ दोबारा, कई बार सुनने का टाइम भी नहीं होता। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई गलती हो जाती है मेरे शब्दों से तो बुरा कोई मत मानना, सॉरी उसके लिए, ठीक है जी, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।